पुष्पम समर्पयामी, वस्त्रम समर्पयामी, ओम शांति शांति शांति। लीजिए बहन जी, ग्रहों की पूजा संपन्न हुई, आप फूल चढ़ाइए। लक्ष्मी राज, देखते नहीं हो मैं पूजा कर रही हूँ? हाँ पंडित जी, क्या? एक बार सुनो, अरे पहले मेरी पेट पूजा का भी तो सोचो। राज, आज तुम पेट पूजा होटल में कर लो। क्यों? मैंने आज 9 ग्रहों की शांति करवाई है, इसलिए 9 पंडितों के भोजन का प्रबंध करना है। अपने पति परमेश्वर के भोजन का प्रबंध करना छोड़ के तुम 9 ग्रहों के पंडितों के भोजन का प्रबंध कर रही हो, कैसी नारी हो तुम? जजमान, आपकी पत्नी तो साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी तो जानता हूँ, उसमें कौन सी नई बात है, लक्ष्मी इसका नाम है। वो तो सुशील। ये सुशील कौन है? नहीं, वो तो बड़ी सुशील, बड़ी सुंदर, आगे बोलो, और पतिव्रता है। हाँ जानता हूँ, पतिव्रता है, इसीलिए तो मुझ जैसे पति से व्रत करवाते रहती, भूखा रखती है उसे। देवी जी आप मेरी दक्षिणा दीजिए, मुझे और भी अपॉइंटमेंट्स हैं। जी पंडित जी, राज 501 रुपया दे दो। क्या 501 रुपया? अरे तुम दक्षिणा दे रही हो, दहेज दे रही हो, किसी चीजों में पैसे बर्बाद करती हो लक्ष्मी तुम। ये आप क्या कह रहे हैं जजमान? राज, भगवान के काम में ऐसी बातें नहीं करते। तुम देखो लक्ष्मी, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि भगवान के नाम पे ऐसे शैतान तुम जैसी मूर्ख औरतों से पैसे ऐंठते हैं और कुछ नहीं। यजमान, ये आप कैसी नास्तिकों जैसी बात कर रहे हैं। अरे पुण्य के काम से तो मनुष्य का यही लोग और परलोक दोनों सुधरते हैं। इन्होंने पुण्य का काम किया हो तो ना। अरे वाह, पुण्य का काम तो किया है, तुमसे शादी जो की। ये तो बताइए सब हुआ कैसे? क्या बताऊ साहब, रोज सवेरे मैं उठता हूँ तो बेड पर खड़ा होकर धमकन जमीन पर कूदता हूँ। बेड पर खड़ा होकर धमकन जमीन पर कूदते? इससे एक झटके से मेरी नींद खुल जाती है ना। गुड आइडिया। मगर आज ये मैं भूल गया कि मैं बेड पर नहीं टेरेस पर सोया था। क्या कह रहे हैं आप, और आप वहां से कूद पड़े? शुक्र मनाइए आप एरोप्लेन या ट्रेन में नहीं सोए थे। हुआ तो नहीं, उधर से भी बच जाऊंगा। वो कैसे? चाको राके साइया मार सके ना कोई, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। अच्छा भगवान रक्षा करेंगे, तो फिर ये सब करवाने भी उन्हीं के पास जाते हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्यों, आप में भी तो भगवान है। अच्छा मुझ में भगवान है, तो मुझे नजर क्यों नहीं आते? एक मिनट, भगवान भगवान भगवान। हाँ, इस कमरे में हवा है। हाँ अच्छी खासी हवा है, क्यों है ना? फिर नजर क्यों नहीं आती? क्या मतलब? Think about it, सोच लो, मैं जाता हूँ। एक मिनट, वो मेरी फीस का क्या होगा जी? फीस? हाँ? काय की फीस? अरे वाह, आपको ये बैंडेज लगाया, कंसल्टेशन फीस वगैरह वगैरह। भूल गया, भूल गया। मैं नहीं भूलता, मैं नहीं भूलता, लाइए। ये लो। 1 रुपया? बहुनी कर लो, बाकी के मेरे अकाउंट में लिख दो, मैं जाता हूँ। आपका नाम क्या है? राज सेठी, डॉक्टर राज सेठी। करेक्ट, डॉक्टर राज सेठी। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ मैं कहाँ जा रहा था? आप अपने घर जा रहे थे, वो रहा था। पेशेंट्स भी आजकल ढीला है। हे भगवान, तुमने मुझे याद किया? नहीं तो अभी अभी तो तुमने कहा था कि हे भगवान। अच्छा यानी आपका नाम भगवान जी? नहीं मैं तो, एक्सक्यूज मी, हेलो डॉक्टर राज स्पीकिंग। क्या मिस्टर वर्मा फिर से सीरियस हो गए? आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आया, अभी आया। एक्सक्यूज मी, कोई फायदा नहीं डॉक्टर राज। क्या मतलब? मिस्टर वर्मा नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका है। देखिए मिस्टर भगवान, जो कुछ भी नाम है आपका, हम डॉक्टरों का यह फर्ज है कि आखिरी सांस तक पेशेंट से पैसे बटोर, हम डॉक्टरों का यह फर्ज है कि आखिरी सांस तक उसे बचाने की कोशिश करें। ओके एक्सक्यूज मी, हटो हटो। अरे मिस्टर चौगुले, आप फिर आ गए, क्या बात है? व्हाट डू यू मीन फिर आ गए? ये घर मेरा है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेचारे वर्मा साहब नहीं रहे। अरे वही तो मेरा एक क्लाइंट था जिसकी फीस वक्त से पहले पहुंच जाया करती थी, आज खुद पहुंच गए। हे भगवान। ओए अंधा है क्या? हे भगवान, और मैं भगवान नहीं हूँ, बोल हे करतार। करतार सिंह, लेकिन आप धक्के खाने यहाँ आ क्यों जाते हैं? परछाई जी ने पाठ रखा हुआ है, मैंने सोचा थोड़ा सा प्रसाद ले चलो। थोड़ा थोड़ा? हाँ मैंने कहा भाई चलो रब का नाम लेने से शायद मेरी कोई मनोकामना पूरी हो जाए। इसकी आपको क्या जरूरत है, आपकी तो हर मनोकामना यही पूरी हो जाती है, आपको जो चाहिए वो आप यहीं से तो मांग के ले जाते हैं। मजाक नहीं कर यार, तुमने
हमेशा मजाक करता है, कभी तो सीरियस हो जाया करता है। मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अच्छा क्या हुआ? हाँ, आज जब शाम को मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी और मेरा नौकर हमारे सोफे पे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। फिर क्या, मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैंने किस्सा ही खत्म कर दिया। आपने नौकर को निकाल दिया? नहीं, मैंने सोफा बेच दिया। हाँ सही बात है, जब सोफा ही नहीं रहा तो किस पे बैठ के साथ में बात करेंगे। न रहे पास न बजे बांसुरी। वेरी इंटेलिजेंट। मेरे को तो डर है कहीं मेरी बीवी के साथ ये मेरा नौकर भाग ना जाए। हाँ, इतने अच्छे नौकर आजकल मिलते कहाँ। तू फिर मजाक कर यार। बचा ऐसे लोगों से भगवान, बचा मुझे भगवान, बचा बचा बचा। अरे तुमने मुझे फिर पुकारा? तुम यहां कैसे आ गए? मैं तो ऊपर वाले भगवान को पुकार रहा था। मैं वही ऊपर वाला भगवान ही तो हूँ। तुम ऊपर वाले भगवान तुम हो? अच्छा, हाँ हाँ, समझा। वो आप तीसरी मंजिल पर रहते, वो है मिस्टर ए एल भगवान दास। नहीं, मैं तीसरी मंजिल वाला नहीं, मैं तो टॉप फ्लोर वाला हूँ, यानी नीली छतरी वाला। नीली छतरी वाले भगवान है आप। अच्छा ये बताइए, सुना है नीली छतरी वाले बड़े चमत्कारिक लोग होते हैं, कुछ चमत्कार करके दिखाइए ना। पता नहीं लोगों ने भगवान के साथ चमत्कार क्यों जोड़ दिया। पतली गली है। अच्छा चलो, तुम्हारी तसल्ली के लिए चमत्कार दिखा ही देता हूँ। हाँ दिखाओ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? हाँ भाई, आजकल गर्मी बड़ी हो रही है, कुछ बारिश वारिश हो जाए तो मजा आ जाए। अच्छा तो बारिश लो। क्या हो रहा है ये? तुम्ही ने तो कहा था कि बारिश हो जाए। अरे लेकिन बाहर तो बारिश नहीं हो रही भाई। बाहर वालों को क्यों परेशान करूं? चमत्कार तो तुम्हें देखना था ना। राज ये क्या बेवकूफी है, स्नान करते वक्त कपड़े और चप्पल उतारना भूल गए। लक्ष्मी ये काम मेरा नहीं है, ये सब इसके कर। चलो अंदर चलो। नहीं मैं सच कह रहा हूं। अंदर चलो। ओहो लक्ष्मी कहाँ हो तुम? उसका उपवास है राज, इसलिए वो उपवास की खिचड़ी पका रही है। तुम गौरी मिसाइल की तरह अचानक कहाँ से टपक पड़ते हो भाई? मैंने कहा ना कि मैं भगवान हूँ। भगवान हो तुम मेरे पास क्यों आए हो? मैंने तो कहा ना कि मैं नास्तिक हूँ। इसीलिए तो तुम्हारे पास आता हूँ कि तुम मानो कि भगवान है। अरे कैसे मानो, ये शर्ट ये पैंट में तुम्हें देख रहा हूँ, तुम में और एक आम आदमी में क्या फर्क है, मैं तुम्हें भगवान मान लूं? अच्छा, तो तुम मेरा वो रूप देखना चाहते हो? हाँ वो रूप देखना चाहता हूँ। तो ये लो। ये लो बोल के कहाँ गायब हो गया ये? ओह वहां सूख भी गए। ओह माय गॉड। अब तो मानते हो ना राज कि मैं भगवान हूँ? नहीं, लेकिन ये जरूर मानता हूँ कि तुम एक जादूगर हो। अरे भगवान होता तो इस संसार में इतनी पीड़ा होती, इतने दुख होते, इतने लोग क्या भूखे मरते? देखो राज, मैंने इस संसार को ढेरों अनाज दिया है, अब जमाखोर अगर उसे अपने गोदामों में छुपा लेते हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है? दूसरों के मुंह की रोटी छीनकर लोग पिज्जा खाते हैं। पिज्जा तो मुझे भी बड़ा पसंद है। तो ये लो पिज्जा, खा लो। नहीं, मेरा प्रसाद समझकर खा लो। सच? हाँ, यानी तुम वाकई भगवान हो? बिल्कुल, ये दुनिया भी तुम ही ने बनाई है। हाँ तो फिर इस दुनिया की जो दुर्दशा हो रही है उसके जिम्मेदार तुम नहीं हो क्या? ये चाकू सब्जी काटने के लिए बनाया गया है ना? हाँ, एक्चुअली। अब इससे यदि किसी की गर्दन काट दी जाए तो इसमें चाकू बनाने वाले का क्या दोष? कोई दोष नहीं। अच्छा ये बताओ, ये मिसाइलें, ये परमाणु बम तुम इंसानों ने ही बनाया है ना? मैंने तो नहीं बनाया। ये भ्रष्टाचार, ये दंगे फसाद तुम इंसान ही करवाते हो, मैं तो नहीं करवाता ना? हाँ, लेकिन इसका मतलब है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं? क्यों नहीं है, परवाह है, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ तुम जैसे नास्तिकों के कान खींचने। क्या कर रहे, छोड़िए भाई। अरे, 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 अरे,
चले गए। लक्ष्मी लक्ष्मी मैं सच कहता हूँ, मेरा यकीन करो, मैंने भगवान को देखा है। भगवान दर्शन देंगे और तुम जैसे नास्तिक को। मैं नास्तिक नहीं रहा, भगवान के दर्शन करने के बाद मुझमें एक नई चेतना अंगड़ाई लेकर जागी है लक्ष्मी। चेतना? कौन चेतना? चेतना का मतलब एक एक किस्म की जागृति हुई है मुझमें। हाँ। अच्छा तो तुमने कुछ मांगा क्यों नहीं? अरे मैं भगवान से क्या मांगता? क्या मांगते? अरे क्या क्या नहीं मांग सकते थे? ढेर सारा रुपया मांग सकते थे, बंगला गाड़ियां ढेर सारा सोना। मैं तो मांगती कि जिस चीज पे मैं हाथ रखूं वो सोना बन जाए। अच्छा तो फिर मेरा क्या होता? तो मैं पहले तुम्हारे सर पे हाथ रख देती और लोगों को कहती ये एक टन का सोना मेरा पति है। एक टन सोना? अपनी सास से। लगता है कुछ गुटरगू चल रही है, चलो तब तक हम भी कुछ गुटरगू कर लेते हैं। सत्री अकाल पापा जी, सत्री अकाल। कहिए कैसे आना हुआ? सुना करतार सिंह जी, ये कह रहे हैं कि इन्होंने भगवान को देखा। हाँ। ये कौन सी बड़ी बात है, हमने तो 50 बार भगवान को देखा। सुन लिया सुन लिया। हाँ हाँ, बड़ा हैंडसम है, बड़ा अच्छा डांस करता है, बड़ा अच्छा गाता है। अच्छा श्याम मिठली। ओहो परजाई जी, एक मिनट मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैं उन भगवान दादा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रब रब की। नहीं मैं ऊपर वाले रब की बात कर रहा हूँ। चल छड़ परा हवा आने दे। ओ यार ऊपर वाले रब को भी किसी ने कभी देखा है? और वो भी इस कलयुग में। मैं सच कहता हूँ मैंने भगवान को देखा है, मेरा विश्वास क्यों नहीं करते तुम लोग? राज क्या हुआ राज? भगवान भगवान समझाइए ना, समझाइए आप। ये ऐसे तुम पर विश्वास नहीं करेंगे? अरे ऐसे कैसे विश्वास नहीं करेंगे, लक्ष्मी देखो भगवान स्वयं आए प्रकट हुए। ओ करतार सिंह देखो मेरी बात नहीं मान रहे थे, परजाई देखिए देखिए आए भगवान। अरे भगवान कहाँ है? अरे ये क्या मेरे साथ खड़े हैं ये? एक्सक्यूज मी भगवान, ये देखो बिल्कुल मेरे साथ साथ खड़े। हाँ शायद ना सातवीं दीवार के भगवान कह रहे हैं। अरे आप लोगों की आंखें या बटन? क्रोधित मत हो राज, मैं इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? मैं सबको नहीं दिखाई देता। हाँ मगर क्यों? तुम्हारा मन साफ है इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दे रहा हूँ। अच्छा तो अब मैं चलूँ राज? भगवान मेरी बात तो सुनिए इन्हें। जी ये तो बिल्कुल गया काम से। हमेशा भगवान के बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं ना, इसी का फल है ये। अरे तुम लोगों को क्या हो गया? मैं खैर छोड़िए, कहिए आप किस लिए आए थे, क्या काम था आपको? लो हम तो आपसे पूछने आए थे कि आज रात को हमारे साथ डिनर करने में आपको कोई इतराज तो नहीं है? Really sorry. Of course not. आपके साथ डिनर लेने में हमें क्या इतराज हो सकता है? Very good. फिर आज रात को हम दोनों डिनर के लिए आपके घर आ रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है मोह माया का त्याग करो। मैं भी करूंगा मोह। हाँ सबसे ज्यादा मोह मुझे इस घड़ी का था, मैं इसका त्याग करूंगा। हाँ मैं इस घड़ी का त्याग करूंगा। राज तुम कहाँ जा रहे हो? मोह का त्याग करने ये घड़ी फेंकने जा रहा हूँ। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? क्यों? तुम पागल हो? अरे ये क्या कपड़े पहन रखे हैं? मिस्टर एंड मिसेस करतार सिंह डिनर पे आ रहे हैं, चलो अच्छे कपड़े पहन लो। अच्छे कपड़े? अरे अच्छे कपड़े तो मैंने कभी से दान कर दिए। हाँ भाई तुम्हारा पंडित भी तो कहता था कि दान करना बड़ा पुण्य का काम है, तो मैंने सारे कपड़े दे डाले। वाह वाह वाह, ओ तू तो बड़ा दानवीर हो गया है। जी बस अब बारी है इस घर की और क्लिनिक की, उन्हें दान कर दूं तो सारे मोह से मुक्ति मिल जाए। तुम घर और क्लिनिक को दान कर दोगे? कल को तुम मुझे दान कर दोगे? हाँ पर उसमें मुझे ज्यादा दुख नहीं होगा। हाँ मैं सारे संसार में पद यात्रा पर निकलूंगा। मैं लोगों से कहूंगा लोगों भगवान है, उन्हें तुम्हारी फिक्र है और वो तुम्हें दर्शन देने इस धरती पर आ रहे हैं। राज जी ये तुम क्या कर रहे हो? भगवंत मैं आपका दास हूं, आपके दिए हुए ज्ञान का मैं प्रचार कर रहा हूं। भगवंत ये किससे बातें कर रहे हैं भाई साहब? पता नहीं भगवान से। जी ये व्यर्थ की बातें छोड़ो और अपने काम पर ध्यान लगाओ। नहीं भगवान नहीं, मुझे एक मौका दीजिए, बस एक मौका। मैं आपके ज्ञान का प्रकाश सारे संसार में पूरे विश्व में फैलाना चाहता हूँ भगवान। प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। जय हो भगवान, जय हो। थैंक यू भगवान,
अब देखिए मैं क्या करता हूं। हे विश्व के लोगों, भाइयों और बहनों, राज परचाई जी, मैं कहता हूं ये तो एकदम पागल हो गया है। तो सब चुप करो सर। परचाई जी, इनको खुला रख छोड़ना बड़ा खतरनाक है। इनको कमरे में बंद कर दो, किसी अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करो। ठीक है, इन्हें बेडरूम में बंद कर देते हैं। कर दो, कर दो, कर दो। लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो एक आदर्श भारतीय पत्नी हूँ, मैं अपने पति को कमरे में कैसे बंद कर सकती हूँ? ठीक है, बस सो नहो। सत श्री अकाल। चल यार, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे कृष्ण। लक्ष्मी, लक्ष्मी दरवाजा खोलो। लक्ष्मी, ये क्या बचपना है? अजीब मुसीबत है ये। मुसीबत तो तुमने खुद मोल ली है राज। अरे भगवान दा, कैसी मुसीबत? मैं तो मोह पर विजय पाने की कोशिश कर रहा हूं। आइसक्रीम खाओगे? आई लव आइसक्रीम। पर ये मोह है। ऐसे मोह में क्या बुराई है राज? मैं भी तो तुम्हारे मोह में ही यहां आया हूं। हाँ, मगर गीता में तो। मुझे गीता मत सिखाओ राज। यदि तुम मेरे गीता के उपदेश को बिना सोचे समझे तोते की तरह रट्टा लगाओगे तो लोग तो तुम्हें पागल समझेंगे। भगवंत, मैं तोते की तरह बिना सोचे समझे रट्टा नहीं लगा रहा हूँ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बड़े विश्वास और श्रद्धा के साथ कर रहा हूँ। आपको यकीन न हो तो अपना 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 सर काट के मैं आपके चरणों में रख दूं। मैं तुम्हारे इस खाली सर का क्या करूंगा राज? भगवंत, राज यदि तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा डॉक्टर ऐसी बातें करेगा तो फिर मैं और क्या कहूं? आप कुछ भी कहें, लेकिन ये लोग जो है ना वो मुझे पागल पागल कह के पुकारते हैं, ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ये तो आपके एक परम भक्त की इज्जत का सवाल है, अल्टीमेटली आपकी इज्जत का सवाल है। मतलब कि मैं इन लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि आप हैं, यानी अल्टीमेटली मैं हूँ, यानी मैं पागल नहीं हूँ। तुम चाहते क्या हो राज? भगवान, मुझे कुछ दिनों के लिए आपकी दिव्य शक्ति उधार दे। मैं शक्ति तो तुम्हें दे दूंगा। हाँ, थैंक यू वेरी मच भगवान। परंतु मेरी एक शर्त है राज। शर्त? कौन सी शर्त? तुम किसी को ये नहीं बताओगे कि वो शक्ति मैंने तुम्हें दी है। बस इतनी है ना, मुझे मंजूर है। आप दीजिए शक्ति, दीजिए जल्दी दीजिए मुझे। शक्ति तो मैंने तुम्हें दे दी राज। दे दी? कहाँ दी? दरवाजा खोलने की कोशिश करो। दरवाजा यहीं से राज। यहीं से? मैंने किया था। Oh my God, I can't believe it. अरे? मैं मान ही नहीं सकती। अभी तुम्हें यकीन नहीं होता? नहीं। तो फिर मैं... अच्छा एक मिनट, ये देखो, ये फ्लावर वाज है ना? हाँ? इसे मैं तोड़ता हूँ। अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम? ओहो, तुम देखो तो सही। अरे यार, तुमने क्या किया? कितना कीमती था वो। मैं अब अपनी दिव्य शक्ति से इसे फिर जोड़ दूंगा। देखो देखो खाली। वाओ राज, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मुझे भगवान स्वयं मिले थे और उन्होंने मुझे ये दिव्य शक्ति भी दी है। ओह माय गॉड राज, जाइए, राज को पागल खाने ले सकते हैं। क्या? नहीं, देखो जी, वैसे मजबूरी है, क्या करें। ओहो, उसकी कोई जरूरत नहीं, अब तो राज ठीक हो गया है, बल्कि उसमें दिव्य शक्ति आ गई है। कौन सी वाली शक्ति आ गई है? दिव्य शक्ति, यू नो, सुपरनैचुरल पावर्स। और मैं ये ग्लास है। हाँ है, अब मैं इसे तोड़ रही हूँ। मम्मी, आप फालतू में दुष्कान कर दिया, जाना से तो हमको दे देना था। राज, इन नादानों को ये ग्लास जोड़ के दिखाओ। अवश्य अवश्य। कुछ भी नहीं हो रहा भाई, कुछ होने वाला है। एक मिनट। एक मिनट राज, कुछ करो। मेरे बाप, अरे मेरे बाप, जुड़ जा, जुड़ के हाथ में आ जा जैसे पहले आया था। कुछ करो ना राज। अरे हो जा, जुड़ जा, अरे इज्जत का सवाल है। हाय हाय, मुझे तो लगता है एक की बजाय पागल खाने में दो दो फार्म भरने पड़ेंगे। आजा,
जुड़ के उड़ के मेरे हाथ में आ जा। देखा नहीं वो आवाज कैसे आया था? अरे आ जा। लगता है ग्लास के कंस्ट्रक्शन में कुछ गड़बड़ है। इसको ट्राई करता हूं। आ जा। अरे आ जा। क्या आखिरी मौका देता हूं तुझे। ये ले डंडा, इधर रख, यहां आके खड़ा हो जा। चल मेरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता चल के आ। अरे आ ना मुछड़। आधा मैं आता हूं, आधा तू आ। चल सरक सरक। ओह भगवान, मुझसे तू कैसी परीक्षा ले रहा है? कहां गई मेरी दिव्य शक्ति? मैंने तुमसे कहा था ना कि किसी को ये मत कहना कि ये शक्ति मैंने तुम्हें दी है। तुमने लक्ष्मी से कह दिया, इसलिए शक्ति गायब हो गई। ये बात है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये मैंने क्या किया? माय गॉड, गॉड तुम्हारे सामने खड़ा है, फिर चिल्ला क्यों रहे हो राय? भगवान भगवान मुझे माफ कर दीजिए, नाबालिग समझ के, अनइंटेलिजेंट समझ के, प्रीमैच्योर बेबी समझ के मुझे माफ कर दीजिए और मुझे दिव्य शक्ति एक बार, सिर्फ एक बार और दे दीजिए। इस बार किसी को बताओगे तो नहीं? नहीं नहीं, तौबा, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मेरे दादा की तौबा। तथास्तु। अरे वाह, अगेन आई हैव द पावर। नहीं, चिल्लाने से पहले जरा आजमा के देख तो लो। क्या करूं, भूख लग रही है। रसगुल्ले। रसगुल्ले कहाँ से आए? ओ लक्ष्मी, तुम्हें रसगुल्ले खाने से मतलब है या पेड़ गिरने से? रसगुल्ले पेड़ पे उगते हैं। वाह, कमाल है नेचर का। क्या हुआ करतार सिंह जी? हम नहीं भाई, मेरा सोने का हार गुम हो गया। मैं जानता हूँ सोने का हार कहाँ गया है। आपका सोने का हार करतार सिंह ने ही चुराया है अपनी सेक्रेटरी यानी गर्लफ्रेंड को प्रेजेंट देने के लिए। क्या बकवास कर रहे हैं आप भाई साहब? हैं? आपको यकीन नहीं होता ना? एक मिनट। ये लो शक्कर, इसे चाय में घोल के करतार सिंह को पिला देना, वो सारा सच खुद ही उगल देंगे। लेकिन ये शक्कर आपके पास आई कैसे? ओहो, तुम्हें हार से मतलब है या पेड़ गिनने से? राज, इनका हार उसी पेड़ पे उगता है जहाँ ये रसगुल्ले उगते हैं। हेलो। जी हाँ। जी नहीं, मैंने कहा ना 19 तारीख के प्रातः 9:01 पर ही मुहूर्त कीजिए। जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपको आज के मटके का नंबर चाहिए? देखिए भाई साहब, आप रेस खेलना शुरू कीजिए, उसमें जल्दी बर्बाद हो जाएंगे। फोन पे फोन है, फोन पे फोन। हेलो। हाँ बोलिए वर्मा जी, गाड़ी खरीदी है? कोई बात नहीं, पर हाँ याद रहे गाड़ी की नंबर प्लेट के नंबर का टोटल 21 होना चाहिए, वरना। क्या आपके बियर बार का उद्घाटन करना है? देखिए भाई साहब, आपका कंस्ट्रक्शन तो सॉलिड है ना? नहीं नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल मुझे एक ब्रिज का उद्घाटन करने बुलाया था, मैंने नारियल फोड़ा, नारियल रह गया और ब्रिज ढह गया। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए भाई, मैंने कहा ना कि आपकी टीवी सीरियल को सैंक्शन अगले साल की मई महीने में मिलेगा। करेक्ट। डॉक्टर राज। हाँ हाँ हाँ, मैं ही हूँ डॉक्टर। अरे किसी ने तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दिए? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपसे आशीर्वाद देने आया हूँ। किस बात का भाई? डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में मौका दिला दीजिए। ओ समझा समझा समझा, यानी तुम हमारी भारतीय क्रिकेट टीम में खेलना चाहते हो? यस यस यस। एक काम करो, पहले मॉडलिंग करना सीखो। यही है राइट चॉइस। हेलो, कौन? डॉक्टर राज? नहीं, वो तो बाहर चले गए सुबह। हाँ रॉन्ग नंबर है। अरे अरे वो मोहतरमा मोहतरमा, आप इस तरह रो क्यों रही हो? मेरे घर में क्यों मातम कर रही है? मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया। क्या नाम है उसका? आज फ्राइडे है ना? हाँ? तो रमेश। अच्छा अच्छा, यानी रोज एक बॉयफ्रेंड होता है? हाँ, संडे छोड़कर। अच्छा हाँ, संडे फैमिली डे होगा ना, नो बॉयफ्रेंड? नहीं, संडे दो बॉयफ्रेंड। यस यस मिस्टर स्मिथ, न्यूयॉर्क लंदन पेरिस इज कंफर्म। यस, मैं आपको फोन करूंगी। यस बाय। राज। लक्ष्मी लक्ष्मी मेरी बात। राज, मेरे पास वक्त नहीं है, ये तुम्हारा आज का प्रोग्राम है, विजिट मीटिंग्स एंड ऑल। लक्ष्मी बाय। राज। लक्ष्मी मेरी बात।
वो लक्ष्मी, हे भगवान। राज, प्रभु प्रभु प्रभु। उठो राज, आप क्यों बुलाया मुझे? अब तो तुम्हारे पास दिव्य शक्ति भी है। मत पूछिए प्रभु, जब से आपने ये दिव्य शक्ति दी है तब से मैं आराम से बैठ सकता हूँ, ना चैन से लेट सकता हूँ मैं। क्यों? अरे बैठता हूँ तो कोई मिलने चला आता है, लेटता हूँ तो टेलीफोन आ जाता है, आंखें मीचता हूँ तो कानों में फरियाद सुनाई देती है। लगता है लोगों का उद्धार करने में मैं खुद ही परलोक सिधार जाऊंगा। तो मैं क्या करूं राज, तुम्ही ने तो दिव्य शक्ति मांगी थी। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मेरे दादा की तौबा, मुझे आपकी ये दिव्य शक्ति नहीं चाहिए। मैं इंसानी ठीक था, मुझे भगवान नहीं बनना। आप ले लीजिए वापस दिव्य शक्ति। ठीक है, तथास्तु। वैसे राज जी, एक भेद की बात बताऊं तुम्हें? बताइए ना प्रभु, बताइए। इंसान बने रहने में बड़ा मजा है यार। यार प्रभु ने मुझे यार कहा और कहा इंसान बनने में मजा है। थैंक गॉड, मैं कितना लकी हूं, इंसान ही हूं। राज टेलर आ गया है, फॉरेन टूर के लिए सूट से लाने हैं, तुम नाप दे दो। नहीं नहीं लक्ष्मी, राज मेरे पास वक्त नहीं है। ओहो, आप बाहर क्या कर रहे हैं, अंदर आओ। लक्ष्मी लक्ष्मी सुनो, लक्ष्मी नहीं मानेगी। देखो भाई साहब, प्रभु आप, सर आप मुझे जानते हैं? क्या मतलब प्रभु? मतलब मेरा नाम आर आर प्रभु।